नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की। आपको बता दें कि यहां पर पेपर लीक मामले को लेकर राज्य आंदोलनकारी मोहन चंद्र शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच की बात कहती है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर UKSSC यहाँ पर पेपर लीक मामले में सरकार के मंत्री भी फंसे हुए हैं। मंत्रियों के छोटे भाई के अलावा यहाँ पर जो है वो लोग भी फंसे हैं। यहाँ पर ये इनका जो है भ्रष्टाचार का माध्यम बन चुका है। छोटू भाई नेता और साथ यहाँ पर मंत्री तक पैसे पहुँचाते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर वर्तमान में जिन छात्रों ने वर्तमान में परीक्षा दी है उनकी आप उन्हें जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो है निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो आरोपी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तमाम अगर देखा जाए वर्तमान के अंदर जो सही तरीके से जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको दरकिनार कर दिया है। तमाम बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, प्रतिनिधियों के जो है किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी की भांजी है, किसी की साली का लड़का है, किसी के साले का लड़का है। तमाम इस तरीके के भ्रष्टाचार हैं। और मेरा मानना ये है तमाम बेरोजगारों से उत्तराखंड के कि इनको जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए जो है इस बात को जो है कोर्ट में ले जाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस संदर्भ में कहना चाहिए, क्योंकि हमारी वर्तमान की उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे के अंदर लिपापोती करेगी। यह सरकार ना तो इसमें CBI जांच बैठाएगी, ना इसमें ED को भेजेगी। हम चाहते हैं कि CBI एवं ED तमाम इन मंत्री और इन सचिवों के ऊपर कार्रवाई करने का कष्ट करे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट की ग्राम पंचायत पनुवा देखुन में आपको यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले जगदीश चंद्र की हत्या को लेकर यहाँ पर भिकियासैंण में हत्या हो गई थी। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने दलित नेता जगदीश चंद्र की हत्या को लेकर जो है प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सल्ट क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होने से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक भी बयान सामने नहीं आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मृतक जगदीश चंद्र के परिवार को उचित सहायता देने की मांग की और साथ यहाँ पर उन्होंने कहा कि जगदीश चंद्र के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घटना को लेकर एक तो अभी भी मेरी मांग है कि राज्य के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में बढ़ते हुए दलितों की उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसका सामरी रूप से इसकी घटना की निंदा करनी चाहिए। और आज तक उन्होंने इस घटना पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, इसलिए उनको प्रदेश की जनता से और विशेष का शिल्पकार वर्ग से माफ़ी, दलित वर्ग से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। एक दूसरा, मैं साफ मांग कर रहा हूँ कि अभी तक ये दोनों मामले दोषियों को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मामले का निपटान जल्दी हो, इसके लिए चाहे उत्तरकाशी की घटना हो या अल्मोड़े में जगदीश की जो जघन्य हत्या किया है उसका मामला हो। भोपाल में महिला और साथी पुरुषों के यहाँ पर गुमशुदगी के मामले अव्वल रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 218 मामलों में यहाँ पर पुलिस केवल 90 गुमशुदगी के मामलों में ही सफल हो पाई है। भोपाल से महिला और साथी पुरुषों के यहाँ पर गुमशुदगी के मामले में अव्वल रहा। और आपको बता दें कि यहाँ पर 218 मामलों में पुलिस ने केवल 90 गुमशुदगी के मामलों में सफलता हासिल की, जबकि अभी भी करीब 150 महिला पुरुषों की यहाँ पर तलाश की जा रही है। एडिशनल CP सचिन अतुलकर ने कहा, जैसे यहाँ पर पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत मिलती है तो तुरंत मामला दर्ज कर तलाश की जाती है। कई बार परिजन रिपोर्ट नहीं लिखते और कई मामलों में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो निकलकर सामने नहीं आते, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इन सभी मामलों में जांच की जा रही है। लगभग कितने महिलाएं और पुरुष जो हैं घूमे थे और कितने लोगों को मिल गए हैं और कितने बचे हैं लगभग अभी? जो गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज होती है उसमें जो पिछले माह का अगस्त माह का फिगर है उसमें लगभग 200
18 जो हैं महिला और पुरुष मिलाकर गुमशुदगी के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, और इसकी जो दस्तयाबी है अगस्त माह की वो लगभग 90 के करीब है, और 100 से ऊपर अभी भी 130 के लगभग की तलाश पुलिस कर रही है। ऐसे मामले जब दर्ज होते हैं गुमशुदगी के, तो लगातार उनके संबंध में जानकारी परिजनों से प्राप्त करके और अन्य माध्यम से दूसरे थाना क्षेत्रों में, प्रदेशों में भी सूचना भिजवाई जाती है, जिससे उनकी दस्तयाबी। राजधानी भोपाल में डोल ग्यारस पर श्रद्धालुओं की तरफ से धूमधाम से जुलूस निकाला गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते 2 साल से चल रहे समारोह और साथ यहाँ पर जुलूस पर पाबंदियाँ थी, लेकिन इस जो है साल यहाँ पर सारी पाबंदियों को हटा दिया गया। राजधानी भोपाल में जगह जगह पर डोल ग्यारस का उत्सव देखने को मिला, और वहीं राजधानी भोपाल में वर्षों से यहाँ पर जो है निकाला जा रहा डोल ग्यारस का भी जुलूस धूमधाम से निकाला गया। डीसीपी रियाज इकबाल की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर पारंपरिक डोल ग्यारस का जुलूस पुरानी शहर से यहाँ पर होता हुआ निकलता है। देखिए डोल ग्यारस की यात्रा है, ये हमारे पुराने भोपाल होते हुए कटलापुरा घाट में समाप्त हो जाएगा। तो अभी जितने हमारे सेंसिटिव एरिया थे जो पुलिस की और कम्युनल दृष्टि से, वो एरिया पूरा शांतिपूर्वक हमने पास कराया। पूरे पुलिस की करीब 500 जवानों की हमने व्यवस्था लगाई थी, तो शांतिपूर्वक अभी जो पुराने भोपाल की एरिया है शोभा यात्रा क्रॉस हुआ है। चलिए बात अब बुरहानपुर की करेंगे। स्तंभ से उतरकर बालाजी महाराज मंदिर में यहाँ पर विराजमान हुए गरुड़ जी महाराज, और साथ ही आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में प्राचीन बालाजी महाराज उत्सव की यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले के यहाँ पर महाजना पेठ स्थित यहाँ पर बड़े बालाजी मंदिर परिसर के स्तंभ से यहाँ पर उतरकर गरुड़ महाराज बालाजी मंदिर में आए। बुधवार सुबह लगभग 9 बजे विधिवत मंदिर में यहाँ पर गरुड़ महाराज का पूजन हुआ। आप बता दें कि यहाँ पर स्त्रोत पाठ में यहाँ पर गरुड़ स्तंभ और साथ ही गणेश जी का पूजन भी किया गया। आज बड़े बालाजी मंदिर बुरहानपुर में भगवान बालाजी के मुख्य वाहन गरुड़ जी को गरुड़ स्तंभ से उतारकर मंदिर में विराजमान किया गया। आज से 15 दिवसीय उत्सव की सभी तैयारियां शुरू होगी। भगवान गरुड़ महाराज के गरुड़ स्तंभ पर विराजमान होने के बाद ही भगवान बालाजी महाराज का रथ निकलता है और 15 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होगी। छतरपुर में रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त की टीम ने यहां पर किसान से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीमांकन के नाम पर किसान से यहाँ पर रिश्वत मांगी जा रही थी, और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिश्वत के तौर पर 5,000 की 2 किस्तें पहले ही 10,000 रुपए किसान दे चुका है। और वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुनाटी पटवारी रोहित पटेल को उसके घर से ही रिश्वत लेते लोकायुक्त की पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया। तहसील परिसर में कार्रवाई जारी है, और आपको बता दें कि सुनाटी पटवारी रोहित पटेल की तरफ से नघेर निवासी विजय सिंह राठौर से यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसके खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्रीमान जी, हमें हो गए कम से कम 3 साल परेशान होते होते, आवेदन लगाते हैं, पैसा जी ले लेते हैं और सही मांग करनी होता है। एक दफे 5,000 रुपया ली थी हमसे, तो मेन रोड हमारे लिए नाप दिया था, ठीक है, हमने उसके लिए संतुष्ट क्यों होंगे, हमें आ जाए मेन रोड नाप में जब, ठीक है, हमने मान गए। फिर हमने आवेदन लगाओ, मैंने फिर 5,000 रुपया दे, बोले ठीक है आपको नप जाएगा, नहीं नपा आज तक। 6-7 पटवारी, नाम क्या है पटवारी का? रोहित पटेल। आज हमने एक पटवारी को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आवेदक विजय सिंह द्वारा 22 को एक शिकायत की गई थी, जो पैक चाहता था, उससे उसको जमीन की सीमांकन के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, उसको हमारे द्वारा तस्दीक किया गया, सही पाई जाए। आज हमने ट्रेन की कार्रवाई। और चलिए बात अब करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें क्या पर देश की राजधानी दिल्ली को सिंगापुर बनाने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और आपको बता दें क्या पर दिल्ली को सिंगापुर तो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में घोटाला करके दिल्ली के यहाँ पर कोने कोने में शराब के ठेके खुलवा कर शराब की राजधानी जरूर बना दिया है, जिसकी कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
जिसमें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किस तरह से मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर इस घोटाले को अंजाम दिया है। लेकिन खुद को यहाँ पर कट्टर ईमानदार बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर अभी तक अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं किया। और आपको बता दें कि आज मनीष सिसोदिया की यहाँ पर बर्खास्तगी को लेकर पूरी दिल्ली में लगभग 500 स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान जो है बीजेपी की तरफ से आयोजित किए गए, जिसमें यहाँ पर जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केजरीवाल से यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। देवास में डोल 11 के यहाँ पर अवसर पर ही जिले के हाट पीपलिया में जो है नरसिंह घाट और आप बता दें कि यहाँ पर भगवान जो है नरसिंहगढ़ के 7.5 किलो की वजन यहाँ पर पाषाण मूर्ति भमोरी नदी में डाली गई और मूर्ति तैरने लगी। बताया जा रहा है कि ऐसा यहाँ पर 3 बार किया गया, लेकिन यहाँ पर मूर्ति 2 बार ही तैरती रही। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर बताया कि प्रतिमा तैरने का अर्थ है कि यहाँ पर आने वाला साल अच्छा रहेगा। मूर्ति के तैरते ही यहाँ पर घाट पर मौजूद हजारों लोगों ने यहाँ पर भगवान नरसिंह से यहाँ पर जो है जयकारे लगाए और साथ ही यहाँ पर सभी के लिए अच्छी कामना हो इस तरह की भी यहाँ पर उनसे प्रार्थना की गई। मैं 15 वर्ष से आ रही हूँ और नरसिंह भगवान की मूर्ति हमेशा तैरती है और कई सालों पहले ऐसा कहा गया था कि ये मूर्ति तैराते वक्त गायब हो गई थी और फिर किसी पंडित जी को सपना दिया और उनको सपना आया कि ये मूर्ति वहाँ पर है, तो जाकर वहाँ पर मिली और वापस उसको मंदिर में धरा गया और इस और फिर हर साल डोल 11 के दिन यहाँ पर ये मूर्ति का कार्यक्रम तैराने का होता है। बड़े जोर शोर से बनाया जाता है यहाँ की जगह और काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। मैं भी खुद इंदौर से आई हूँ यहाँ देखने के लिए। मैं ज्योति सोनी इंदौर से बोल रही हूँ, इंदौर। शाजापुर की बात करेंगे। पानखेड़ी नगर परिषद काला पीपल में आपको बता दें यहाँ पर विभिन्न वार्डों में नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। रिटायर्ड जिला जज सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, नवनिर्वाचित पार्षद और साथ ही नगर परिषद CMO प्रवीण गंगवाल सहित यहाँ पर वार्ड वासियों की यहाँ पर उपस्थिति में काम को सम्पन्न किया है। आपको बता दें यहाँ पर वार्ड क्रमांक 3, 4, 5, 6 में यहाँ पर नाली निर्माण कार्य के साथ ही वार्ड क्रमांक 14 में पोस्ट ऑफिस के सामने जनपद परिसर और साथ यहाँ पर डाड़ियाखेड़ी रोड पर नाली निर्माण कार्य और साथ यहाँ पर और भी कई अन्य काम का शुभारंभ किया गया। उमरिया जिले के पाली में यहाँ पर पतंजलि महिला योग समिति जिला उमरिया की तरफ से यहाँ पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला और साथ ही बैठक का आयोजन किया गया। चिन्नी धर्मशाला पाली में इस बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर परम श्रद्धी आचार्य डॉक्टर दिवादिति दीदी, मुख्य केंद्र के प्रभारी हरिद्वार पार्वती दीदी, सह राज्य प्रभारी महिला पतंजलि योग समिति और साथ ही यहाँ पर ऋतु अग्रवाल सह राज्य प्रभारी की गरिमामय उपस्थिति में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। सबसे पहले मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देखिए, विगत करीबन 17 वर्षों से अपना संगठन परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के सानिध्य में इस देश के अंदर कार्य कर रहा है, तो उसका उद्देश्य एक ही है कि हम घर घर तक योग पहुँचा सकें, आयुर्वेद पहुँचा सकें, जिसके माध्यम से हम लोगों के जीवन में आरोग्य, सुख और शांति ला सके। एक सेवा का कार्य है, उसी दृष्टि से आज यहाँ पर हम लोगों की उमरिया में बिरसिंहपुर पाली में बैठक हुई, जिसके माध्यम से यही हम लोगों ने संदेश देने की कोशिश की
प्रयास किया कि हम सबके जीवन में योग को, इस कार्य को हम और आगे बढ़ाएं और साथ में इसको प्रशिक्षण के साथ में लेकर के चलें, जिससे एक प्रमाणित योग शिक्षक बनने के बाद हम अपने घरों के अंदर भी खान पीन को लेकर के, योग को लेकर के और अधिक जागरूकता उत्पन्न कर सकें। आज की कार्यशाला में उमरिया जिला के ये यहाँ वीरसिंहपुर पाली के सिंधी धर्मशाला में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमारी महिला पतंजलि के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर देवादित्य बहन जी यहाँ उपस्थित हुए थे और उनके मार्गदर्शन में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने योग के बारे में हम लोगों को जानकारी दी और साथ में हमारी महिला पतंजलि को एक टास्क दिया कि हमको किस 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 जिले, किस किस तहसील में योग कार्यशाला का आयोजन करना है और साथ में लोगों को भी प्रेरित किया कि योग से क्या महत्व है, शारीरिक किस तरह से शारीरिक फायदे हमको मिलते हैं। तो देखिए, विगत करीबन 17 वर्षों से अपना संगठन परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धे आचार्य श्री महाराज के सानिध्य में इस देश के अंदर कार्य कर रहा है। तो उसका उद्देश्य एक ही है कि हम घर घर तक योग पहुंचा सकें, आयुर्वेद पहुंचा सकें, जिसके माध्यम से हम लोगों के जीवन में आरोग्य, सुख और शांति ला सकें। एक सेवा का कार्य है। उसी दृष्टि से आज यहाँ पर हम लोगों की उमरिया में वीरसिंहपुर पाली में बैठक हुई। इसके और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।